यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन वाला ही, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अ बीम ऑफ स्पान 8 मीटर, ठीक है, इसका स्पान कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। यूडीएल है 1 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर लेंथ एंड मोमेंट ऑफ 32 किलो न्यूटन पर मीटर एट सी। अब आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यूडीएल को चेंज करना पड़ेगा कंसनट्रेटेड लोड में, ठीक है। तो ये टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 8, मीन्स 8 किलो न्यूटन। और ऑब्वियसली एक्ट कहाँ करेगा, बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा। तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर बनेगी आपकी। यहाँ पे ये आर ए हो गया, ये आपका आर बी हो गया, और ये सेंटर में एक्ट कर रहा है, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा 4 मीटर, ठीक है। और ये 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर में इस तरह से ये एक्ट कर रहा है। तो ये कितना है, 32 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है भाई। अब सीधा सा है, आप किसी के अबाउट आप मोमेंट ले लो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ए के अबाउट मोमेंट ले। तो ए के अबाउट जब आप मोमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, आर बी इंटू 6। तो ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इसके बाद, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये मोमेंट कैसा दिया होगा आपको, क्लॉकवाइज। तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस माइनस 32, और प्लस ये फोर्स है, ये फोर्स कितना है आपका 8 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये भी कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, ये माइनस आ जाए। तो माइनस 8, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आर बी इंटू 6 इक्वल्स माइनस का 32, 8 4 जाए 32। तो ये इसको फर्दर यदि मैं सॉल्व करूँ, लेट मी यूज़ सम अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका आर बी, है ना, और ये इक्वल्स 0 होगा, ठीक है। तो आर बी इंटू 6 माइनस का 64 हो जाएगा 32 है, तो आर बी इंटू 6 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 64। तो यहाँ से आर बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, 64 बाई 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 64 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वैल्यू आ रही है, आर बी इक्वल्स आ रहा है आपका 10.6। एक छोटा करेक्शन है, देखो टोटल जो डिस्टेंस है ना वो 8 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 8। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, और यहाँ पर भी ये 8 आएगा। तो ये 8, तो आर बी आ जाएगा आपका 8 8 जा 64। तो आर बी की वैल्यू आ गई कितना, 8 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यदि आप आर ए निकालना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं किसके अबाउट, बी के अबाउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, ठीक है। तो मैंने बी के अबाउट मोमेंट लिया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 8, आर ए इंटू 8, ठीक है। फिर ये आपका ये लग रहा है, ये वाला फोर्स, ठीक है। तो ये आपका कैसा मूव करा रहा है, क्लॉकवाइज, और ये इसके अबाउट कैसा मूव कराएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो माइनस 8 इंटू 4, ये डिस्टेंस यहाँ से 4 है। अब आप देखो ये इसके अबाउट कैसा लग रहा है ना, ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 32 इक्वल्स 0। तो आर ए इंटू 8 माइनस का 32 प्लस का 32, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो आर ए इंटू 8 इक्वल्स 0, इसका मतलब आर ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। तो रिएक्शन एट ए 0 है, रिएक्शन एट बी 8 किलो न्यूटन है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे।